अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? लकरम साहब सभी ठीक होंगे, आप सबकी दुआ से आप भी ठीक हैं। इधर मैं चुड़वे ले ली हूँ, ये कप ये चुड़वे है। आज मैं चुड़वे का बढ़िया सी रेसिपी बनाऊंगी। ये घर के चुड़वे हैं तो मैं सोची कुछ अच्छा बनाया जाए। एक कप मैं चुड़वे ले ली हूँ, साफ कर ली हूँ। इसे मैं बड़े बाउल में रख लेती हूँ और इसमें मैं पानी डाल के अच्छी तरह इसे मैं धुल लेती हूँ, साफ कर लेती हूँ। चुड़वों को मैं अच्छी तरह धुल के साफ कर ली हूँ। इसे मैं चार पांच पानी से धुल ली हूँ और इसे मैं ढक के रख देती हूँ। कढ़ाई को रख दी हूँ, गर्म हो गया है। इसमें मैं एक चम्मच घी डाल देती हूँ, घी को पिघलने देती हूँ। घी पिघलना स्टार्ट हो गया है और इसमें मैं काजू और बादाम को हल्का फ्राई कर लेती हूँ। इसे एक मिनट भून लेती हूँ, ज़्यादा नहीं भूनूंगी। काजू और बादाम को हल्का मैं भून ली हूँ और इन सभी को मैं निकाल लेती हूँ। काजू बादाम को एक कटोरी में निकाल ली हूँ भून के। थोड़ा घी है इसमें और इसमें मैं आधा लीटर दूध डाल देती हूँ। दूध को मैं डाल रही हूँ और इसे मैं पका लेती हूँ। दूध को दूध में उबाल आ गया है, कड़छी में दूध में ही रख दी हूँ ताकि वो दूध उबल के बाहर ना आए। अब इसमें मैं ये जो चूरा धुली थी ना, धुल के रखी थी, इसे मैं थोड़ा मीज लेती हूँ ताकि ये छोटे छोटे टुकड़े में हो जाए, आप देख सकते हैं। और इसे मैं दूध में उबलते हुए दूध में डाल देती हूँ। सभी को मैं इसमें डाल देती हूँ। सभी को मैं इसमें डाल दी हूँ और इसे मैं चलाते हुए पका लेती हूँ। नहीं चलाएंगे तो नीचे ये बैठ जाएगा तो जलने का डर रहेगा, इसलिए इसे चलाते ही रहेंगे। आपको ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है, ये बहुत टेस्टी बनता है। इसे मैं चलाते हुए पका लेती हूँ जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए अच्छे से। ये पकते पकते थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें मैं शक्कर डाल देती हूँ। शक्कर आप अपने हिसाब से मीठा डाल सकते हैं, आपको कितना मीठा पसंद है। शक्कर को मैं डाल दी हूँ। इसे मैं थोड़ी देर और पका लेती हूँ ताकि शक्कर अच्छी तरह गल जाए। शक्कर अच्छी तरह गल भी गया है, ये गाढ़ा भी हो गया है। अब इसमें मैं तीन कुटी हुई इलायची डाल देती हूँ। इसमें मैं जो फ्राई की थी काजू बादाम, ये डाल देती हूँ। अब इसे मैं थोड़ी देर और पका लेती हूँ। लीजिए, खीर हमारा बनके तैयार है। ये गाढ़ा भी हो गया है, गैस को मैं बंद कर देती हूँ। इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। खीर को मैं एक बाउल में निकाल ली हूँ। ये बहुत अच्छा बनता भी है और जल्दी बन भी जाता है। खाने में ये बहुत टेस्टी है। आज मैं बनाई हूँ चुड़वे की खीर। आप कोई भी चुड़वे ले सकते हैं, सब में भी बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। आज की मेरी वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आज की मेरी वीडियो आप सबको कैसा लगा।